ये है राम गोपाल, दूध दुह रहा है। प्रतिदिन सुबह उठ के राम गोपाल ये काम करता है। इस गांव का नाम है मोमिनपुर। यहाँ मध्यम वर्ग और गरीब लोग रहते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी के काम करते हैं और कुछ लोग छोटी मोटी काम करके घर का गुजारा करते हैं। ये है राम गोपाल की पत्नी विशाखा। विशाखा सुबह उठ के खाना बनाना शुरू कर देती है। राम गोपाल के दूध दुना खत्म होने से पहले ही दूध खरीदने के लिए ग्राहक आ जाते। बस एक आध घंटे के अंदर सारे दूध बिक जाते। थोड़ी देर से आने पर दूध नहीं मिलता, क्योंकि राम गोपाल के दूध गाढ़ा और स्वादिष्ट था, इसलिए सब लोग यहाँ से दूध खरीदना चाहते थे। सारे दूध बिक जाने के बाद राम गोपाल नहा धोकर खाना खा के दूसरे काम के लिए निकल जाता। वो खानपुर में एक किराने की दुकान में काम करता था। कुछ देर के अंदर राम गोपाल का इकलौता बेटा राजेश स्कूल के लिए रवाना हो जाता। वो गांव के हरी मधव हाई स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ता है। राजेश बहुत मेधावी लड़का है। राम गोपाल और राजेश के चले जाने के बाद विशाखा घर के नजदीकी एक जमीन से घास काट कर लाती है सभी गाय और बछड़े के लिए। एक दिन विशाखा ने पति राम गोपाल को कहा, सुनिए, अब सब दूध बेचने की जरूरत नहीं है। कल से कम दूध बेचेंगे और अधिक दूध घर के लिए रखेंगे, क्योंकि हमारा राजेश अब बड़ा हो रहा है, उच्च कक्षा में जाएगा। अब उसे दूध पीने की ज्यादा जरूरत है। अगर खाना पीना अच्छे से नहीं हुआ तो वो इतना सारा पढ़ाई कैसे करेगा। अगर दूध कम बेचूंगा तो आय भी कम होगा, पैसा के लिए कुछ परेशानी होगी। लेकिन फिर भी तुम जो बोल रही हो वो सही बात है। ठीक है विशाखा, मैं कल से ज्यादा दूध घर के लिए रख के फिर ग्राहक को बेचूंगा। अगले दिन सुबह दूध ना मिलने पर एक दो ग्राहकों ने राम गोपाल को पूछा कि वो दूध इतना कम क्यों बेच रहा है। तब राम गोपाल ने कहा, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, वो उच्च कक्षा में जाएगा, पढ़ाई का प्रेशर भी बहुत होगा। आपसे राजेश को अच्छा खाना चाहिए, लेकिन मेरे जैसे गरीब के घर में सिर्फ ये दूध के अलावा और क्या है बताओ। इसलिए मैं ज्यादा दूध घर में रख के बाकी दूध बेच रहा हूँ। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। राम गोपाल का घर बहुत बदल गया है। मिट्टी का घर तोड़ दिया गया है और ईंट का एक पक्का घर बनाया है। हालांकि रसोई और गौशाला पहले की तरह बनी हुई है। अब गायों की संख्या भी बढ़ गई है। 2 साल पहले राजेश को केंद्रीय सरकार में एक अच्छी नौकरी मिली है। अब वो मोटरसाइकिल लेकर ऑफिस आता जाता है। घर से 15 किमी दूर अमीरगंज में उसका ऑफिस। अब राम गोपाल का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न है, लेकिन फिर भी राम गोपाल ने दूध बेचना बंद नहीं किया। वो पहले की तरह दूध बेचकर नहा धोके खाना खा के दूसरे काम के लिए रवाना हो जाता। खासकर गांव में अगर किसी लड़के को सरकारी नौकरी मिलती है और अगर वो केंद्रीय सरकार में है, फिर वही लड़का विवाह के उत्तम पात्र है। कुछ लड़कियों के पिता ऐसे ही लड़के के खोज में रहते हैं। पड़ोसी गांव मधुपुर के मशहूर व्यापारी मदन बाबू एक रविवार को अपनी पत्नी को लेकर राम गोपाल के घर अपनी कार से आए। सुनिए राम गोपाल बाबू, आपके गांव का हरिनाथ मेरा बहुत पुराना कर्मचारी है, उससे मैंने आपके बारे में सब कुछ सुना है। आज हमने आपका घर और लड़के को देखा, हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग एक दिन हमारे घर चलिए, अगर अब लोगों को हमारी बेटी पसंद आई तो हम आगे की बात करेंगे। हमारा बिटिया को एक बार देखे तो बहुत अच्छा लगे, रूप और गुण में एकदम माँ लक्ष्मी। आपके घर को हमेशा रसन रखेगी और आपको जो चाहिए वो ही मिलेगा। मेरी एक लौती बेटी उर्मिला, अगर आप ना चाहो तभी मैं भर दूंगी। मदन बाबू और उनकी पत्नी के बातें सुनकर राम गोपाल, विशाखा और राजेश ने भले ही कुछ ना कहा, पर मन ही मन बहुत खुश हुए।
मोमिनपुर गांव के बगल का गांव मधुपुर है और इस गांव के बीच में जो बड़ा और खूबसूरत घर है वो मदन बाबू का है। इतना अच्छा घर, ढेर सारा पैसा और इतनी खूबसूरत बेटी, सब कुछ देखकर राम गोपाल को सब कुछ पसंद आ गया। लेकिन जब दोनों पक्ष एक दूसरे को पसंद कर चुके थे, अब शादी पक्की होने के समय मदन बाबू के लाडली बेटी उर्मिला की विभिन्न मांग, जीत, शर्त आदि शुरू हो गई। एक दिन उर्मिला का बिल्कुल भी खाने का मन नहीं हुआ। वो शादी को लेकर पूरी तरह से राजी नहीं थी। ये जानकर उसकी माँ ने कहा, देखो उर्मिला, हमने तुम्हारी सारी सुविधाओं को देखकर ये विवाह तय किया है। लड़का केंद्र सरकार में अच्छी खासी नौकरी करता है, कुछ सालों में ऑफिसर बन जाएंगे, देखने में भी अच्छा है। अब तुम्हारी समस्या क्या है वो तो बताओ। बेटी, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम इसका समाधान करेंगे। इतना अच्छा लड़का आजकल के जमाने में इतना आसानी से नहीं मिलता, समझे? मुझे लड़के को लेकर कोई समस्या नहीं है। उनके घर में गाय है और गोबर देखकर मुझे घिन आती है, बस यही कारण है। ओहो, ये बात है, ये कोई समस्या नहीं है। मैं राजेश को कहूंगा कि वो सभी गायों को हटा दे। यदि इसमें अधिक समस्या होती है तो मैं अन्य व्यवस्था करूंगा। मैं राजेश के ऑफिस के पास एक अच्छा फ्लैट खरीदने की योजना बना रहा हूँ। अगर कुछ परेशानी हुई तो मैं अभी कुछ व्यवस्था करूंगा, ठीक है? हमने सोचा था कि शादी के एक दो साल बाद तुम दोनों पुराने घर को छोड़कर राजेश के ऑफिस के बगल वाले फ्लैट में चले जाओगे। अगर वे लोग घर से गाय नहीं हटाएंगे तो तुम दोनों अभी से उसी फ्लैट में रहोगे। मेरी प्यारी बेटी, अब खाना खा लो। इस घर की होने वाली बहू की नापसंद की बात सुनने के बाद विशाखा ने राम गोपाल से कहा, मदन बाबू ने आज सुबह राजेश को फोन किया था, लड़की को गाय पसंद नहीं है तो वो गायों को बेचने के लिए अनुरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब क्या कमी है और अगर ये संभव नहीं हुआ तो राजेश और उनकी बेटी के लिए एक फ्लैट की व्यवस्था करेंगे। ये तुम क्या बोल रही हो, सिर्फ अभाव के लिए गाय नहीं पालते, गायों को बेचना मेरे लिए असंभव है। इसलिए अगर उन्हें फ्लैट में रहना पड़ता है तो वे लोग रह सकता है। ये कहकर राम गोपाल घर से निकल गया। देखो माँ, यहाँ से मेरा ऑफिस बहुत दूर है। इन फ्यूचर ऑफिस के आसपास ही मुझे फ्लैट लेना ही था। अब जब उर्मिला के पिता ने कहा वो खुद ही फ्लैट खरीद के देंगे तो ये मौका गवाना नहीं चाहिए। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। तुम फोन करके कह दो फ्लैट खरीदने के लिए। शादी के बाद तुम दोनों उसी फ्लैट में रहोगे। ये कहकर दुखी विशाखा घर से निकल गई। रंगीन सपनों में खोए राजेश को अपनी माँ के दुख का जरा सा भी अनुभव नहीं हुआ। फिर शादी के कुछ महीनों के बाद राजेश शिफ्ट हो गए। एक बड़े ट्रक में शादी का कीमती सामान चला गया। उसके पीछे राजेश, उसकी नव विवाहित पत्नी उर्मिला और ससुर मदन बाबू गाड़ी से जा रहे थे। शिफ्टिंग की सारी देखरेख मदन बाबू ही कर रहे थे और विशाखा दरवाजे के सामने खड़ी थी। बेटा बहू की मंगल कामना करते हुए विशाखा की आंखें भर आई। छोटी सी उम्र से बड़ी मुश्किल से पाला गया बेटा जब आंखों के सामने घर छोड़कर चला जाता है, तब हर माँ को जैसा दर्द होता है, विशाखा भी वही दर्द महसूस कर रही है। और यहाँ राम गोपाल दरवाजा बंद करके रोने लगा। बाहर से वो जितना भी सख्त दिखता है पर अंदर से हाहाकार मची हुई है। शायद दुनिया के सारे पिता ऐसे ही होते हैं। सभी गाय बछड़े उदास हुए खड़े थे। राजेश पढ़ाई का प्रेशर ले सके इसलिए एक दिन दूध की बिक्री कम कर दी और राजेश को पिलाने के लिए ज्यादा रख दिया। जिन गायों के दूध पीकर राजेश बड़ा हुआ, आज उन गायों के रहने के कारण राजेश को घर छोड़कर जाना पड़ा। कितनी क्रूर विडंबना है।
अबला गाये शायद ये सब महसूस कर पा रही थी, लेकिन राजेश के मन में इस बात का कोई अनुभव नहीं था। वो आधुनिक विलासिता के रंगीन सपनों में डूबा हुआ था। इस समय लोग अपनी भावनाओं, कर्तव्यों, परंपराओं को भूल जाते हैं और जो उनकी मदद करते हैं उन्हें सिर्फ हाहाकार मिलती है। तो दोस्तों, अब सबको हमारी ये नई कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक और शेयर करना, और आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकॉन को दबा देना। थैंक यू।